ये वाला एरिया तकरीबन इन्होंने कवर किया है, ईंटें लगाई हुई हैं दोनों तरफ पे, ऊपर नीचे ईंटें लगाकर तो इसको अच्छी तरह ढांप दिया गया है दोनों साइड। खूबसूरत लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी, बड़ा दिलफरेब किस्म का यहाँ पे मंजर है। एक और स्कूल ट्रिप, बच्चों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद। थक गए हो बेटे, थक गए हो? देखें बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे, उनके ट्रिप्स। कौन सा स्कूल है? लाहौर से? अच्छा, किस क्लास में हो आप? इंजॉय किया? ज़बरदस्त, थैंक यू। रुको रुको, इंजॉय किया आप लोगों ने? स्कूल कौन सा? लाहौर से। कौन सा कैंपस है? कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे? सब कुछ, सब कुछ अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। देखो ना, देखो ना। तो फाइनली मैं उस चौक तक तकरीबन आ गया हूँ जिस चौक पे इस ट्रेन के ट्रैक का एंड होता है, यहाँ पे ट्रेन आपको छोड़ देगी। ये वो चौक है और इस चौक से आगे भी ट्रेन का रूट मौजूद है, तो इसका मतलब आप मजीद आगे तक जा सकते हैं इस ट्रेन के ऊपर बैठ के। ये चौक पाकिस्तानी चांदनी चौक है इसका नाम, चांदनी चौक, और यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं आगे। एक रास्ता राइट साइड की तरफ जो कि ट्रेन का ट्रैक साथ साथ चल रहा है, ये इस तरफ ये ट्रेन का रूट अभी मौजूद है, इस तरफ आप ट्रेन पे मजीद आगे जा सकते हैं। अगर आप इस तरफ जाएंगे राइट साइड की तरफ तो आप मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, क्रिस्टल वैली, शीश महल और तालाब विज़िट कर सकते हैं। ये एक नया स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं यहाँ पे, खूबसूरत किस्म का ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, गार नुमा है। ये साल्ट लाइब्रेरी, ये साल्ट लाइब्रेरी से आप आगे आएँ तो यहाँ पे रिजॉर्ट है, अलर्जोलॉजिकल अस्थमा रिजॉर्ट, यहाँ पे दमे के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। ये यहाँ पे लिखा है कि साल्ट माइन दमा के मरीज़ों का कुदरती इलाज, हवा में मौजूद नमक के अंदर छोटे ज़र्रात ना सिर्फ जरासीम कुश हैं बल्कि मुदाफ़ती निज़ाम को भी दुरुस्त करने के साथ साथ एलर्जी दमा के मरीज़ों के लिए शिफा है। ये एक और बोर्ड यहाँ पर नस्ब है इस अस्थमा हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल ऑपोजिट, इसमें हेलोथेरेपी के बारे में मालूमात इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। मज़ीद आप आ गए हैं तो यहाँ पे ब्रीफिंग हॉल है, अब ये खूबसूरत एक गारनुमा हॉल जिसका नाम रखा गया है ब्रीफिंग हॉल। ये मालूमात दर्ज है यहाँ पे, पढ़ सकते हैं आप, और ये एक गारनुमा स्ट्रक्चर है जिसका नाम रखा है ब्रीफिंग हॉल। इसके सामने इस तरफ भी कुछ गारनुमा ही एक स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पे नज़र कुछ नहीं आ रहा कि अंदर क्या है।
خطرہ اوپر سے چیزیں گر سکتی ہیں تو اس طرف جانے سے منع کیا گیا ہے لہٰذا اس طرف ہم نہیں جائیں گے یہ اس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ پیچھے وہ چوک تھا چاندنی چوک جہاں سے ہم اس طرف آگے آئے ہیں وہاں سے تین راستے نکل رہے تھے ایک راستہ سیدھا تھا ایک لیفٹ سائڈ کی طرف اور ایک رائٹ سائڈ کی طرف رائٹ سائڈ پہ ہم نے ٹرن لیا ہے جو چیزیں موجود ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں ابھی یہاں پہ فی الحال تو کچھ نہیں لکھا کوئی سائن بورڈ نہیں ہے لیکن یہاں پہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پانی کا تالاب جو ہوڑا ایک پورا بنا ہوا ہے اور اوپر یہ نمک ہی نمک ہے یہ سارا ریڈ نمک ہے خوبصورت ویو ہے امیزنگ ہے نیچے بھی نمک ہے اور یہ پانی بھی جو ہے وہ نمک والا ہے